जापान में एक लड़का अपने स्कूटर से इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक उसका स्कूटर खराब हो जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी वो स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था और सिर्फ 15 मिनट में उसे जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचना था। अगर वो नहीं पहुंचता तो उसकी एक साल की मेहनत खराब हो जाती और चोरों के डर से वो अपना स्कूटर वहां छोड़कर भी नहीं जा सकता था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि कैसे वो जल्दी से अपने इंटरव्यू में पहुंचे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आता है और वो अपने मोबाइल में टिक टिक की आवाज करती हुई साउंड को चालू करता है और उस मोबाइल को स्कूटर की डिग्गी में डाल देता है, जिससे चोरी करने वाले को लगे कि इस स्कूटर में बॉम्ब है और वो उसे हाथ भी ना लगाए। ऐसा करने के बाद वो लड़का उस स्कूटर को वहीं छोड़ देता है और खुद टैक्सी से चला जाता है। फिर एक घंटे बाद वो इंटरव्यू देकर वापस आता है तो उसे अपना स्कूटर वहीं खड़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताना।